हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो थ्रेड्स ऐप के रिलेटेड है। थ्रेड्स ऐप ने जो है वो एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और वो ये है कि उन्होंने 48 आवर्स के अंदर 70 मिलियन प्लस साइनअप जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक तरफ थ्रेड्स ऐप जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के दरमियान जो बैंटर है वो भी कंटिन्यू है। क्योंकि रिसेंटली एलन मस्क ने थ्रेड्स ऐप की एक काइंड ऑफ बुराई करते हुए ट्वीट किया, और उन्होंने लिखा, थ्रेड्स इज जस्ट इंस्टाग्राम माइनस पिक्स व्हिच मेक नो सेंस गिविंग द थर्ड पिक्स ऑफ द मेन रीजन पीपल दैट यूज इट। और इसके अलावा मजीद जो उन्होंने लिखा था वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर रिसेंटली ओवरऑल जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर चल रहे हैं थ्रेड्स पर वो मिस्टर बीस्ट हैं, जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर बीस्ट। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो इंस्पायर एनालिस्ट से रिलेटेड है। रिसेंटली इंस्पायर एनालिस्ट ने अपने इंस्टा पे Q&A लगाया था, जिसमें कोई फैंस जो इनसे वकार जका और आजाद चाय वाला के रिलेटेड सवाल करते हैं कि आपके इनके ऊपर क्या व्यूज है। वकार जका के रिलेटेड तो जस्ट नॉर्मल टाइप की बात करते हैं, लेकिन आजाद चाय वाला के रिलेटेड बात करते हुए वो कहते हैं कि आजाद चाय वाला के लिए उनके पास 0 रिस्पेक्ट है। तो वो इनके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार वकार जका एक मैं कहूँगा भोले इंसान है। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने ही क्रिप्टो के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की थी पाकिस्तान में, और लोगों को क्रिप्टो की तरफ लेके आए हैं। अब वो जो तरीके इस्तेमाल करते रहे उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, वो उनका पर्सनल फेल है। जो गलती उनसे हुई है वो ये हुई है कि स्टेट के साथ आप पंगा नहीं ले सकते हो। आप FII के साथ पंगे ले रहे हो, आप एक मूवमेंट चला रहे हो, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, हर एक से पंगा किए जा रहे हो। एक वक्त आता है ना जब हर कोई कहता है बस भाई आप इतने फन्ने खान नहीं है जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपने मजीद बात की तो आपको अंदर कर देंगे। जब उनको पता चला कि अंदर होने वाले हैं तो मुल्क छोड़ गए। अब वो आपके सामने हैं, मुल्क छोड़ के गए हुए हैं। तो बंदे को ना अपनी जितना कद है ना उस हिसाब से बात करनी चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आज मैं खुल के बात कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आज़ाद चाय वाले के बारे में राय लेते हैं। मेरे दिल में उस बंदे के लिए 1% भी रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी मेन वजह है लोगों को एजुकेशन के ख़िलाफ़ करना, लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ करना, लोगों को ये बताना कि देयर आर शॉर्टकट्स इन लाइफ, और 9 to 5 करने वाले पागल लोग हैं, फारिग लोग हैं, और जिसने डिग्री हासिल की है डिग्रियाँ बेकार हैं, बर्बाद हैं। जब इस तरह से आप यंगस्टर्स का माइंड ख़राब करते हो ना, आप एक नई आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हो। तो उस बंदे ने ये आग लगाई है नई नस्ल को ख़राब करने वाली, और इस आग को बुझाने के लिए मैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लोगों को बता रहे हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। अब उस बंदे की डैमेज को हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब उसको जो हेट मिल रहा है ना, जो लोग जाके उसको हेट करते हैं, वो हमारी तरफ से आ रहा होता है उसकी तरफ। वो गलत चीज़ें लोगों को बता रहा था। अब उसने भी अपनी टोन थोड़ी चेंज किया, रिस्पेक्ट करना शुरू किया एजुकेशन को। ये इन्हीं कॉन्टेंट की वजह से हुआ है। सर, आप लोग इनकी बात से एग्री करते हैं नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो इरफान जुनेजो से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग इरफान जुनेजो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इरफान जुनेजो अपनी वीडियोस में अपनी फैमिली को लाते ही नहीं है। तो इसके रिलेटेड बहुत से लोग जो है वो उन्हें कह रहे होते हैं कि आप अपनी फैमिली को वीडियोज में लाया करें वगैरह वगैरह। उसी का रिप्लाई देते वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मैसेज शेयर करते हैं, और वो मार्क जुकरबर्ग की एक पिक शेयर करते हुए कुछ ये कहते हैं। नीचे जो तस्वीर है, मतलब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के बारे में इस बंदे से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। सही है, ये मार्क जुकरबर्ग है बाय द वे। तो और बराबर में आप देख लें जिन चीज़ों के ऊपर इमोजी लगा हुआ है उससे आपको क्या समझ में आता है। और फिर जब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि व्हाई डोंट यू शो योर फैमिली, क्या सीन है, हमें देखना है, तो मतलब बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो जलमी प्लेस से रिलेटेड है। रिसेंटली जलमी ने अपने अपकमिंग कंटेंट के रिलेटेड अपडेट देते हुए कम्युनिटी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अब से वो हर वीक जलमी प्लेस का जो उनका चैनल है उस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे। लिटिल जलमी के चैनल पे 2 व्लॉग और अपने गेमिंग चैनल पे भी एक वीडियो। तो जलमी फैंस को वीक में 4 वीडियो उनके चैनल पे देखने को मिलेंगी। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो मुफ्ती तारिक मसूद से रिलेटेड है। रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद का कुछ अरसे पहले एक बयान आया था जिसमें वो हिंदुओं से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो गाय को माता क्यों कहते हैं और उन्हें पूछते क्यों है वगैरह वगैरह। तो उनका इसी टाइप का कुछ बयान था जिसको रिसेंटली किसी इंडियन यूट्यूबर वगैरह ने रिप्लाई दिया है, जिनका कोई नाम परदाश है। पर मुझे ये वीडियो किसी ने इंस्टा पे शेयर की थी, तब इसका सारा कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके रिलेटेड तो मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो काफी लंबी थी जिसमें वो मुफ्ती तारिक मसूद की बातों का डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिप्लाई दे रहे होते हैं। उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ ना, गाय अगर माँ है तो बैल फिर बाप होना चाहिए, क्या ख्याल है भाई? बैल बाप होना चाहिए, भैंस का दूध तो आज ज्यादा पिया जा रहा है, वो नानी होनी चाहिए। तो ये पढ़े लिखे मैं जो तमाम हिंदू लोग हैं उनसे मोहब्बत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूँ। पता है गाय माता को माँ क्यों बोलते हैं? जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी माँ का दूध नहीं मिल पाता, इसकी वजह से उसे गाय माता का दूध मिलता है जिससे वो बड़ा होता है। अब बड़ा होने के बाद उस गाय माँ के दूध को ही भूल जाए
तो वो लड़का किस काम का। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार पाकिस्तान की टेकन 7 की टीम के रिलेटेड बात कर लेते हैं, जो कि सऊदी अरब के लैन इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। पाकिस्तान की टेकन 7 की टीम जिसको लीड अरसलानेश कर रहे हैं, वो गेमर जेट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। यार फाइनल जो है वो आज ही होंगे, जो कि आप गेमर जेट के चैनल पे देख सकेंगे। यार सेमीफाइनल के कल के जो मैचेस थे वो बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन थी और मैच भी बिल्कुल ही टक्कर का हुआ था। इन केस अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा तो उसकी भी कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थर्ड राउंड के लिए सेव कर रहा था अपना बेटा। सी इफ ही कैन डू एनीथिंग टू मेक अ कमबैक हियर। ओ 4-2, आई डोंट नो इफ दैट वाज एन एरर और नॉट। Oh, I'll just bet the bar on that. That's huge. Meter use kiya, lekin that's absolutely huge. He's got the life lead though. So much now. Bahut zabardast. I mean, it's been working. Yeah. Counter down back. Nahi, 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 nahi. HP advantage tere paas, ladke. HP. Oh my god, he put the brakes on too. And he spun around. Life bar's about even. Joker trying to catch him ducking. Health advantage ले अपना, वो almost खराब हो चुका है। Winding down here and Atif's got a small lead, just a tiny lead. Nahi, no. Oh, down 4. 10 seconds. Who's gonna take the lead? This is so close. बहुत जबरदस्त। 7 seconds. पीछे रहे, पीछे रहे, पीछे रहे। नहीं, 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 नहीं। What's he gonna do? I don't know. One second. Oh yes. 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 Takes it to set point for Pakistan. Set point आ गया। Standing up, they're getting hype. What's gonna happen here? Can Joker tie it up? Can he bring it to a final round? He had to step the block on Atif. Bucking the lows, he's ready. He's trying to close out here. This is why he's TWT champion. Atif's got the combos now. Meter नहीं है, लेकिन good, good, good follow up. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. Oh! With the tackle. Oh, Joker's in big trouble. But he blocked it. नहीं, 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 नहीं. He was hella ready that time. Atif's got another bar to close out though. Joker's still behind in this round by himself. Down back 3. He's trying to catch him. Yes! With the cancel. And Pakistan's gonna take this set 3-2. Oh my god, what a set. It was so close back and forth. Even dealing with the lead change. Oh, mashallah, mashallah, mashallah. And take it for Pakistan. Great stuff to the Pakistan team. Guaranteed themselves a top 3 finish. And unfortunately, they are now going to the lower rank. Oh my god. That was such an incredible set. Yeah, GG's to Team Pakistan. But I hope so that Pakistan's team will show us a trophy today. But for this reason, if you want to see more, then our juggling news is Ducky Bhai related. Recently, Ducky Bhai wrote a post on a thread that he is planning a trip to Pakistan. So, Bhai, road will be. और उन्होंने कहा एक मुस्लिम इंडियन यूट्यूबर भी उन्हें सजेस्ट करो जिसके साथ कोलैब करके वो पाकिस्तान से सऊदी अरब रोड जाए। डक्की भाई ने थ्रेड ऐप पे ये बड़ा रिवील किया है। आप अगर किसी इंडियन यूट्यूबर को जानते हैं जो कि मुस्लिम और मक्का जाना चाह रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या मजीद डिटेल्स वगैरह निकल के सामने आती है। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।